हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया इन द किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत सी डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रसगुल्ले की रेसिपी है जो काफ़ी पसंद होता है सबों को। और अगर आपके भी रसगुल्ले बनने के बाद हार्ड हो जाते हैं या बिल्कुल स्पॉन्जी जूसी रसगुल्ले नहीं बनते, तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरा देखें, तभी जो है आपके रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। क्योंकि मैंने हर एक स्टेप को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, आप देख सकते हो जब मैंने इसे कट किया ना, तो कितने ये जालीदार से जो है वो रसगुल्ले बने हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं। तो पूरे स्टेप्स को देखें, एक भी स्टेप को मिस ना करें, तभी जो है आपके जूसी और टेस्टी स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर रेडी होंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं काउ मिल्क ले रही हूँ। आज मैं 2 लीटर काउ मिल्क से जो है वो रसगुल्ले बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक मैं बड़ा सा बर्तन ली हूँ, गैस के फ्लेम को कर रही हूँ ऑन और बिल्कुल लो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ। वाटर ऐड करने का पर्पस ये होता है कि जब आप दूध गर्म करोगे ना, तो पतीले का जो नीचे का सतह है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर दिया है। जब तक दूध बॉईल हो रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अराउंड 30 मिनट के बाद जो है दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। एक बाउल में मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ, अराउंड 1/2 बाउल, और इसमें ना एप्पल साइडर विनेगर जो है मैं 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 2 लीटर काऊ का मिल्क है जिसमें मैं 3 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन वाटर से भी इसे फाड़ सकते हैं, बट विनेगर से काफ़ी अच्छे से दूध जो है वो फट जाता है और पनीर भी जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो विनेगर वाटर है मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। आपको खास ध्यान रखना है कि दूध जब आप फाड़ोगे तो फ्लेम को कर देना है बंद, क्योंकि अगर फ्लेम ऑन में अगर आप दूध फाड़ोगे तो छेना जो है आपका हार्ड हो जाएगा और बिल्कुल भी सॉफ्ट रसगुल्ले नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके सारे विनेगर वाले पानी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसे लगातार चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो दूध जो है वो फट गया है, पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट पनीर है। तो इसे 1 से 2 बार और चलाना है। और इसके बाद ना मैं एक ले रही हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई के ऊपर मैं रखूँगी छन्नी, जिससे कि इसका पानी को जो है वो छानने में हेल्प होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा, जो क्लीन कपड़ा है, इसे मैं रख रही हूँ। उसके बाद ना पतीले का जो पानी और पनीर है उसे मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिससे कि सारे पानी जो है अच्छे से निकल जाएंगे। और इसके बाद इसके पानी को मैं फेंक दूँगी। आपको खास ध्यान रखना है, ये स्टेप्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं सारे स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे ना मैं ठंडे पानी से इसे वॉश कर रही हूँ, जिससे कि इसका खट्टापन भी निकल जाएगा और साथ ही साथ जो पनीर चिपके हुए हैं वो भी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसे 2 से 3 टाइम्स जो है इसे वॉश करना है, पनीर का खट्टापन बिल्कुल ख़त्म करना है। इसके बाद ना इसके पानी को अच्छे से फेंक देना है और इसे निचोड़ कर अराउंड 30 मिनट के लिए मैं इसे हैंग कर दूंगी। कहीं पे भी आप इसे बांध कर है जो टांग सकते हैं या किसी भारी सामान से इसे दबा सकते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। कपड़ा थोड़ा मोटा है तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ पतले कपड़े में, जिससे कि पानी जो है वो अच्छे से इसका निकल जाए। तो इसे 30 मिनट के लिए हैंग कर दिया है मैंने। आप देख सकते हो कि पूरा अच्छे से इसका पानी निकल चुका है। इसे ना मैं बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसके बाद इसे प्रेस करते हुए पनीर को मैं तोड़ दूँगी। आफ्टर देन मैं आपको बताऊँगी कि इसे किस तरीके से मैश करना है। तो आपको खास ध्यान रखना है। आप देख सकते हो ये जो हथेली है उसके नीचे की सतह से मैं बिल्कुल धीरे धीरे से हल्के हाथों से इसे प्रेस कर रही हूँ। इसे प्रेस करने का पर्पस ये होता है कि पनीर का जो दानेदार सा जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसे 2 से 3 टाइम्स करना है। अगर इससे ज़्यादा बार आप करोगे तो बिल्कुल आपका जो रसगुल्ला है वो इतना सॉफ्ट बनेगा कि चाशनी में जाते ही वो टूट जाएगा। तो इसीलिए 3 टाइम्स से इसे ज़्यादा ना करें। मैं आपको कैमरे को नज़दीक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इसे कर रही हूँ। तो इसे ना मैं 1 और 2 टाइम्स अभी करूँगी, उसके बाद आगे मैं बताऊँगी कि 3rd टाइम्स इसे कैसे करना है। तो इस तरीके से इसे मैंने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ये मैं 2nd स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब तक इसे प्रेस करेंगे ना, तब तक चलो चाशनी को रेडी कर लेते हैं।
चाशनी बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे 1.5 कप जो है वो चीनी ले रही हूँ। 2 लीटर काउ मिल्क में 25 रसगुल्ले बनेंगे, 25 रसगुल्ले बनकर रेडी होंगे, जिसके लिए 1.5 कप जो है मैं चीनी ले रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, बट बिल्कुल मार्केट स्टाइल अगर टेस्ट चाहते हो तो 1.5 कप बहुत है। तो यहाँ पे ना मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, आपको खास ध्यान रखना है बड़े वाले बर्तन में बनाएं। तो आज मैं 2 बर्तन में बनाऊंगी क्योंकि रसगुल्ले जो हैं वो 25 पीस हैं, तो इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। अब चलिए पानी का मेज़रमेंट लेते हैं। तो जितना आपका चीनी रहेगा उसका 1/5 यानी कि 1 कप चीनी में 5 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे। 1:5 का रेशियो आपको लेकर चलना है। 1 कप चीनी में 5 कप पानी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ इसे हाई फ्लेम पे मैं अब बॉईल होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। इसे बीच बीच में चलाते रहना है और इसे कवर करके बॉईल आने के लिए छोड़ देना है। आपको खास ध्यान रखना है, पानी की मेज़रमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, बर्तन जो है वो बिल्कुल फैला हुआ और बड़ा होना चाहिए। मैं 2 लीटर का बना रही हूँ तो मैं 2 बर्तन यूज़ करूँगी, एक कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ और 1 बर्तन मैं और यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर एक साथ सारे रसगुल्ले आप डाल दोगे ना तो उसे स्पेस नहीं मिलेगा और रसगुल्ले बिल्कुल भी नहीं खिलेंगे। तो इसे बीच बीच में चलाते रहना है और कवर करके इसे ढककर बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। तो 2 स्टेप्स जो हैं हो चुके थे और साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 2 लीटर में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप आरा रोट भी यूज़ कर सकते हो। खास ध्यान रखें मैदा का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर मैदा यूज़ करोगे तो रसगुल्ले आपके हार्ड हो जाएंगे। तो सेम तरीके से 1 मोर टाइम जो है इसे प्रेस कर लेना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। इस तरीके से प्रेस करने से सॉफ्ट भी बनेंगे और जो आरा रोट हमने मिक्स किया था वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। छोटा सा बिल्कुल थोड़ा सा पनीर जो है मैं अपने हथेली पे लेकर इसे राउंड शेप दे रही हूँ। इसके ऐसा शेप देना है कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना आए। आपको खास ध्यान रखना है, आप देख सकते हो उसमें एक भी क्रैक्स नहीं है, तो आपको खास ध्यान रखना है क्रैक्स नहीं आने देना है। चाशनी भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है। नेक्स्ट टिप जो ये है कि फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और चाशनी जो है वो लगातार जो है इसमें बबल्स आने चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूस जो है ये बॉईल आना चाहिए। और 1 रसगुल्ला मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। अगर आपको लगता है कि चाशनी का जो बॉईल है वो कम हो गया है, लो हो गया है, तो अगेन बॉईल होने का वेट करें। मैं इंडक्शन में हाई फ्लेम पे बना रही हूँ तो इसकी बॉईल जो है वो कंटिन्यूस चालू है, तो इसलिए मैंने स्टॉप नहीं किया है और 1 बाय 1 मैं रसगुल्ले को ऐड कर रही हूँ। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको लगे कि आपके चाशनी का बॉईल कम हो रहा है, थोड़ी देर वेट करें। जब चाशनी का बॉईल अच्छे से आने लगे तो वंस अगेन जो है रसगुल्ले को ऐड करें। यहाँ पे मैं एक बार में 10 रसगुल्ले बना रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इसमें स्पेसियस होना चाहिए रसगुल्ले को डालते टाइम, डालने में और बॉईल होते टाइम भी बिल्कुल स्पेसियस चाहिए, तभी रसगुल्ले जो हैं वो बड़े बनेंगे, खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल जूसी बनेंगे। एक साथ ढेर सारा रसगुल्ला हॉचपॉच करके ना ऐड करें, अदरवाइज रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। एक बार में मैं यहाँ पे 10 ऐड कर रही हूँ। अब इसे ना 4 मिनट के लिए, नेक्स्ट टिप्स को ध्यान से सुने, इसे 4 मिनट के लिए मैं बॉईल कर रही हूँ हाई फ्लेम पे। इसे ना तो चलाना है और ना ही इसे कवर करना है। 4 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। तो 4 मिनट जो है वो हो गए हैं, आप देख सकते हो। अब इसके बाद ना इसे मैं ढक दूंगी, यानी कि इसे कवर कर दूंगी, और कवर करने के बाद इसे मैं 5 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। इसे मैंने अभी भी नहीं चलाया है, आप वीडियो में देख सकते हो, इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। फ्लेम को थोड़ा सा जो है वो अगेन मैं हाई करूंगी और हाई करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे कवर करके बॉईल कर दूंगी। इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। फोर मिनट मैंने 1900 टेम्परेचर पे बॉईल किया था, अभी मैं 1300 के टेम्परेचर पे बॉईल कर रही हूँ। इसमें बॉईल जो है वो कंटिन्यू आते रहना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, वाओ रसगुल्ले जो है वो काफ़ी फूल गए हैं।
इसे थोड़ा सा चलाना है, बिल्कुल हल्का सा जो है इसे इधर उधर मूवमेंट करने हैं रसगुल्ले को, और उसके बाद वंस अगेन जो है इसे कवर करके 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे। अगर पॉसिबल है तो आप इसे टर्न कर सकते हो, बट अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मूवमेंट करके इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर दो। 5 मिनट हो चुके हैं, गैस को मैंने अभी भी ऑन रखा है। एक बाउल ले रही हूँ जिसमें मैंने 1 लीटर वाटर ऐड किया है, साथ ही साथ 2 ट्रे आइस मैं ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स है, इसी से आपके रसगुल्ले जो हैं वो कंटिन्यूस सॉफ्ट रहेंगे। तो इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। 1 लीटर पानी में मैं 2 ट्रे का आइस जो है पूरा ट्रांसफ़र कर दी, और इसके बाद मैंने इंडक्शन को ऑफ नहीं किया है, ऑन ही है, और उसे एक एक करके सारे रसगुल्ले को निकाल कर आइस वाले वाटर में ट्रांसफ़र कर देना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है जिससे आपके रसगुल्ले जो हैं वो बाद में भी सॉफ्ट रहेंगे, जूसी रहेंगे। तो इसे सारे इसी तरीके से सारे रसगुल्ले को जो है वो आइस वाले वाटर में ट्रांसफ़र कर देना है, और तब तक इसे आइस वाले पानी में ही छोड़ देना है जब तक कि आपके चाशनी बिल्कुल अच्छे से ठंडे नहीं हो जाते। बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से जो है इसमें ट्रांसफ़र करें। रसगुल्ले पके हैं या नहीं ये जानने का तरीका होता है कि आपके रसगुल्ले जो हैं वो नीचे बैठ जाए, अगर तैर कर ऊपर आ जा रहे हैं दैट मीन्स आपके रसगुल्ले नहीं पके हैं। तो चाशनी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अराउंड 30 मिनट हो चुके हैं। अब रसगुल्ले को बिल्कुल निचोड़ रही हूँ मैं, आप देख सकते हो, और जैसे ही मैं इसे चाशनी में डालूंगी ना ये वापस से अपने शेप में आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे रसगुल्ले को जो है वो निचोड़ कर चाशनी में डाल देना है, जिससे कि चाशनी का जो मीठापन है वो रसगुल्ले में वापस से अब्सॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हो रसगुल्ले जो है वापस से अपने शेप में आ चुके हैं। अराउंड 5 to 10 मिनट के बाद जो है वो आप रसगुल्ले को खा सकते हैं। मैंने इसे अगेन बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। वाओ, कितने जूसी और कितने टेस्टी रसगुल्ले बनकर रेडी हुए हैं। चलो मैं इसे प्रेस करके दिखाती हूँ। प्रेस करने के बाद ना वापस से जब मैं इसे चाशनी में डालूंगी ना तो ये अपने शेप में वापस से ले लेगा। तो आपने देखा ना कितना ईजी है रसगुल्ला बनाना, बस आपको कुछ स्टेप्स को याद रखने हैं जिससे कि आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल अच्छे बने। चलो मैं एक निकाल कर दिखाती हूँ। वाओ, काफ़ी ही अच्छे, बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी रसगुल्ले बने हैं और बहुत ही टेस्टी है। चलो मैं निचोड़ कर दिखाती हूँ। जैसे ही मैं निचोड़ूंगी ना ये जो है उसका शेप खराब हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसे चाशनी में डालूंगी ये वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बाउल में निकाल कर और उसे कट करके भी दिखाती हूँ। काफ़ी टेस्टी रसगुल्ले हैं, आपने देखा ना कितना ईजिली जो है ये कट गया है, बहुत ही सॉफ्ट है। चलिए मैं अंदर जो है रसगुल्ले की दिखाती हूँ। बिल्कुल जालीदार सा जो है वो टेक्सचर आया हुआ है, काफ़ी टेस्टी है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत इजी तरीके से घर पे रसगुल्ले बना सकते हो, और आपको भी अगर मेरी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई है या और भी रेसिपीज पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज मेरी सारी रेसिपी की अपकमिंग नोटिफिकेशन आप मिस कर दोगे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।